बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत जबरदस्त मुट्ठी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही मजेदार बनते हैं। आप अपनी पार्टी में, दावत में इस रेसिपी को जरूर शामिल कीजिएगा। आपकी पार्टी का मजा दोबाला हो जाएगा और आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मेरे पास बीफ का कीमा था, इसको मैंने बहुत फाइन पीस लिया है विदाउट फैट, और इसमें 2 अदद ब्रेड स्लाइसेस को भी साथ में ही हमने चॉप कर लिया था। ये देखिए बिल्कुल फाइन रेडी हुआ है। अब इसमें हम शामिल करेंगे तमाम मसाले। सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, कचरी पाउडर 1 टीस्पून, रोस्टेड धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। मोटा मोटा क्रश किया हुआ है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है। साथ में मैंने इसमें शामिल किया है जीरा पाउडर 1 टीस्पून, अनारदाना पाउडर 1 टेबल स्पून, बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून, और साथ में ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। ये तमाम मसाले शामिल किए हैं। साथ में मैं इसमें शामिल करूंगी 1 अदद प्याज, जिसको मैंने ग्रेट करके इसका पानी तमाम निकाल दिया था। कीमे में हमने फैट यूज नहीं की थी, इसलिए हम 2 टेबल स्पून इसमें घी शामिल करेंगे। घी शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी भुने हुए चनों का पाउडर 2 टेबल स्पून। ये बाइंडिंग के लिए बहुत जबरदस्त है। 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, आधा लेमन लिया है, इसका रस इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना। ये गलावट के काम आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। साथ में इसमें शामिल किया है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब तमाम मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम चीजें जो हैं बिल्कुल सही से मिक्स हों और कबाब का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आपको ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी लगेगी। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं मिर्चें, तो आप इसमें थोड़ा सा कमी कर दीजिए मसालों में। अब मैंने कीमा रेडी हो चुका है, इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है और इसको मैं रखूंगी तकरीबन 1 से 2 घंटा फ्रिज में, ताकि कीमा जो है थोड़े अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसके कबाब रेडी करेंगे। कीमे को 2 घंटे रेस्ट देने से ये होगा, हमने इसमें कचरी पाउडर शामिल किया था, उससे कीमा बहुत अच्छी तरह सेट हो जाएगा और ये बहुत जल्दी फ्राई और बिल्कुल गल जाएगा अच्छे से। हाथों को किया है ऑयल से ग्रीस और कीमा हमने फ्रिज से निकाल दिया था, सेट हो चुका है बिल्कुल। अब इसके हमने छोटे छोटे मुट्ठी कबाब रेडी करने हैं। अगर आप फिंगर मार्क्स देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं, या सिंपल आप इनको बनाकर फ्राई करना चाहें तो आप इस तरह कर लीजिए। इसी तरह तमाम कबाब हमने रेडी कर लेने हैं छोटे छोटे, और उसके बाद इसको हम करेंगे फ्राई। एक पैन में किया है ऑयल को गरम, जैसे ही ऑयल गरम हुआ है हमने इसमें शामिल किए हैं रेडी किए हुए मुट्ठी कबाब, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। कचरी पाउडर और लेमन जूस शामिल करने से कीमा बहुत जल्दी गल जाता है और बहुत ही अच्छा फ्राई होता है, और बहुत ही सॉफ्ट कबाब इससे रेडी होते हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए जैसे ये गोल्डन होने लगे थे लाइट, मैंने इसमें 3 हरी मिर्चें शामिल की थी, जिनसे इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त आएगा। आप ये ट्रिप जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए कलर भी बहुत ही परफेक्ट इन पे आया है। हम इनको निकालेंगे और सर्व करेंगे। इसी तरह हमने तमाम कबाब फ्राई करके निकाल लेने हैं और गर्मा गर्म सर्व करने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आए। अल्लाह हाफिज।